जन अधिकार पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर प्रांगण में संविधान को जलाए जाने के विरोध में शुक्रवार को नगर निगम की रानी लक्ष्मीबाई पार्क में मंडल अध्यक्ष जीतन प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक कर विरोध जताया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दलित, पिछड़ा और कमजोर वर्ग सहित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुराचार का विरोध किया। संविधान को सुरक्षित रखने, संविधान की गरिमा बचाए रखने के लिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। पार्टी के सदस्यों ने संविधान जलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग किया है। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी जयराम मौर्य ने कहा, जयराम मौर्य जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी थे। ये आज हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वावधान में लक्ष्मीबाई पार्क में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के तत्वावधान में हम लोग ये अब बैठक किए हुए हैं, जिसमें हम धरना प्रदर्शन ये जंतर मंतर पर दिल्ली में जो संविधान चलाया है उसके विरोध में हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान की रक्षा करो, जिससे संविधान की गरिमा बनी रहे और लोकतंत्र कायम रहे। सारे लोग इसलिए हम लोग ये मांग उठाते हैं कि ये सरकार जो है अच्छी तरह से अपने काम करे, नहीं करती है तो हम लोग ये आवाज़ उठाने का काम करेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे संविधान के माध्यम से। हम लोग जो भी गरीब मजलूम हैं, अल्पसंख्यक हैं, रेड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, सबको परेशान किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं इस पार्टी के माध्यम से।